आप लोग मेरे रेनू पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी। कढ़ी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हुई है, बट आज हम जो कढ़ी बनाएंगे वो कांदे की कढ़ी बनाएंगे, जिसमें हम पकौड़ी भी बनाएंगे। तो इसे किस तरीके से बनाना है, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे हम ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें डालेंगे हींग, हींग का तड़का देंगे हम। मैं ज़्यादा करके अपने सारे खानों में हींग का फ्लेवर यूज़ करती हूँ, डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है और टेस्ट अच्छा होता है। अब थोड़ा सा डालेंगे मेथी और उसके बाद डालेंगे राई, एंड देन थोड़ा सा मैंने डाला जीरा। अभी इन तीनों चीज़ों का हम तड़का देंगे। उसके बाद ये हरी मिर्ची को मैंने इस तरीके से लंबे लंबे कट करके रखे हैं, तो तीन हरी मिर्ची मैंने डाली और थोड़े से कड़ी पत्ते डाले। जब ये अच्छे से चटक जाए तो इसमें डाल दीजिए तीन मीडियम साइज़ के ओनियन। ओनियन बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, नहीं तो कढ़ी जो है वो मीठी लगने लगेगी। जैसे ही ओनियन और बाकी की चीज़ें अच्छे से पक जाए, तो ये मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़े को क्रश कर लिया हुआ है, ये हम इसमें डालेंगे। लहसुन और अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हमें चाहिए होती है, उसी से इसका फ्लेवर आता है। अच्छे सब सारे इन्ग्रीडियंट को हम पका के लेंगे, जिस तरीके से मैं स्टर कर रही हूँ। और ये मैंने 1/2 लीटर दूध को बॉईल करके इसकी दही घर पे ही बनाई है। इसे अच्छे से पहले फेंट लेंगे, जिस तरीके से मैं फेंट रही हूँ। ध्यान रखें इसे अच्छे से फेंटना है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, ये कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ, और ये 5 बड़े चम्मच मैंने इसमें यूज़ किए बेसन। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो 5 बड़े चम्मच बेसन डाले, अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, तो इसका बैटर हम रेडी करके रखेंगे कढ़ी का। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हमें मिक्स करना है। ध्यान रहे कि कढ़ी के लिए जो दही है वो थोड़ी सी खट्टी रहे, तो दही हमारी जो कढ़ी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने इसे रात को ही बना के रख दिया था। अब ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके से दही और बेसन बाकी के इन्ग्रीडियंट मिक्स हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारा ओनियन एंड बाकी की चीज़ें भी अच्छे से पक चुकी है। इस तरीके से गैस का फ्लेम स्लो करके ही हमें इसे पकाना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है हमें। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका सब चीज़ें। अब हमने जो बैटर बना के रखा है वो डाल देंगे मिक्स करते हुए, और इसमें ऐड करेंगे हम पानी। ये देखिए पानी मैंने इसमें ऐड किया, और पानी की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए, कम या ज़्यादा, आपको जैसे थिकनेस चाहिए कढ़ी की। मैं थोड़ा सा पतला कढ़ी प्रेफर करती हूँ, तो मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। तो अच्छे से इसे स्टेयर करेंगे। और हाँ, एक बात याद रखें कि जब आप बैटर डालें तो इसे कंटिन्यू स्टेयर करते रहें, नहीं तो आपकी कढ़ी जो है वो फट जाएगी। जब तक इसमें एक सिंगल बॉयल ना आए, तब तक का कढ़ी को हमें इसी तरीके से कंटिन्यू स्टेयर करना है। तो ये देखिए बॉयल आने लग गया है और बहुत अच्छा कलर आया है इसका। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, साथ ही साथ इसमें हमने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसे हम साइड में रखेंगे, हमारी कढ़ी जो है वो ऑलमोस्ट पक चुकी है इस तरीके से। और ये देखिए पकौड़ी मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। पकौड़ी में सिर्फ कांदे की पकौड़ी बनाई है मैंने, आप चाहिए तो नॉर्मल सिर्फ बेसन की भी बना सकते हैं, बट मैंने कांदे की बनाई है। जब आप कांदे की पकौड़ी बनाइए तो इसमें बेसन की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए, एज़ कम्पेयर जो हम अपना नॉर्मल पकौड़ी बनाते हैं ओनियन का, तो ताकि वो जब ग्रेवी में मिक्स हो तो स्प्रेड ना हो उसका ओनियन। अब हमने ऊपर से अपनी कढ़ी को डाला, मैं कढ़ी को ऊपर से डाल रही हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। इस तरीके से अपना कढ़ाई में भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा देंगे तड़का, तो राई डाल दिया, ऑयल लिया, राई डाला, एंड देन थोड़ा सा जीरा डाला। ये सिर्फ मैंने प्रेजेंटेशन के लिए डाला, आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कड़ी पत्ते का तड़का दिया और थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल दी। घर पे अगर गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेबल करके देंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी और खाने में भी। तो मिक्स कर दिया, एंड देन हमारी कढ़ी बन के रेडी है। अब ऊपर से थोड़ा सा मैंने धनिया से इसे गार्निश किया। फ्रेंड्स, खाना बहुत ही इजी सा बनाने में इसे, तो इसे बनाना बहुत ही इजी है। जिस तरीके से हम अपने कांदे की भजिया बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा बेसन की क्वांटिटी हमें ज़्यादा ऐड कर देनी है। क्यों? क्योंकि जब हम कढ़ी में पकौड़ी को डालेंगे तो वो सॉफ्ट होके पूरी जो उसके ओनियन है वो सेपरेट ना हो, इसलिए उसमें थोड़ा सा बेसन की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। और आप कढ़ी बनाइए जिस तरीके से मैंने पैटर्न बताया है, उसी तरीके से आपकी कढ़ी, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अमेजिंग बनेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे फैमिली एंड फ्रेंड के साथ,
और हाँ, मैंने अपनी कढ़ी की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, डू चेक इट आउट। वो जो कढ़ी मैंने बनाई है उसे बहुत ही ईजी वे में बनाई है, अगर किसी बिगनर को उसे ट्राई करना है तो उसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।